मुझे लगता है कि आज इन दोनों का रोका कर देना चाहिए। मम्मी जी, आपके पास कोई और रास्ता है इसके अलावा? किसी के पास भी कोई और रास्ता है इसके अलावा तो प्लीज मुझे बता दो। दलजीत, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं अब क्या ही बोलूं, आप लोग बड़े हो गुरप्रीत आंटी चाची जी, जो आप लोगों का फैसला होगा मुझे मंजूर है। चलो तो फिर एक बार बबली को भी आने देते हैं, उससे भी उसका फैसला पूछ लेते हैं। सब ठीक है ना? कहाँ थी तू? कहाँ से आ रही है? वीर जी, मैं पार्वती जी के साथ थी, उन्होंने आज तक मुझे जॉब ऑफर किया, मैं उनकी सेक्रेटरी बन गई। बड़ी माँ, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? ये तो खुशखबरी है ना, मुझे जॉब मिल गई। क्या हो गया? भाड़ में जाए तेरी नौकरी। नीति, मुझे तेरा फैसला मंजूर है, बबली और दलजीत का रोका आज ही होगा, वो भी अभी। बड़ी माँ, अभी क्या बोल? चुप, एकदम चुप। तू कुछ नहीं बोलेगी और वही करेगी जो हम बोलेंगे, समझी? वीर जी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने क्या किया है? और दलजीत के साथ रोका, आप दोनों को पता ना वो कैसा है। बड़ी माँ, तू कैसी है? मैं अभी रोके का सामान लेकर आती हूँ, अभी के अभी होगा ये रोका। नहीं बड़ी माँ, नहीं बड़ी माँ। कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? वीर जी, क्यों आप मेरी इज्जत ये बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद तो हमारी इज्जत हुई है। आजा, बैठ इधर। बड़ी माँ, नहीं प्लीज। दलजीत, तुम भी बैठो। जी आंटी। मुंह इधर कर। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप ये क्यों कर रहे हो? मत करो ना बड़ी माँ। चुप रह, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। बड़ी माँ प्लीज मेरी बात सुनो, आप ये क्यों कर रहे हो? बड़ी माँ प्लीज मत करो, प्लीज बड़ी माँ। बबली, प्लीज वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, जो हमारे बीच हुआ था वो हमारी मर्जी से हुआ था, अब जो यहाँ हो रहा है वो भी सबकी, सब बड़ों की मर्जी के साथ ही हो रहा है। सबको पता चल गया है हमारे बीच जो हुआ। मतलब क्या पता चल गया सबको? क्या हुआ था हमारे बीच? अब मैं क्या ही बोलूं, पर जो भी हुआ था अच्छा हुआ था, सो एंजॉय भी रोका। बबली, क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं मुझे। चक्कर आ रहे हैं? Oh my God. वो देख बबली, वहाँ चेयर रखी है, तो काम कर, तू वहाँ बैठ जा। आजा, 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 आजा बबली, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। जब ठीक लगे ना तभी उठना, हाँ, रेस्ट कर।
बबली अभी कुछ ठीक लग रहा है तुझे? हाँ मैं निकलती हूँ। नहीं 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 बबली, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर ले, थोड़ी देर और रेस्ट कर ले। तू रो क्यों रही है? हाँ बबली, रोने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बबली। बबली एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, नीति को कुछ नहीं होगा, तू हिम्मत रख। हाँ हिम्मत रख तू बबली। बबली मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी बबली कि हमारा वीडियो इतना अच्छा आएगा। जो दिखाना था पब्लिक को वो दिखा दिया। आगे जो तू थप्पड़ मार के भागी थी ना, वो ना तुझे याद है ना मैंने वीडियो में रखा है। वैसे तेरी तरह तेरी बहन को भी थप्पड़ मारने का बहुत शौक था। ये उसी थप्पड़ का जवाब है परी। ये ले शगुन। इसकी क्या जरूरत थी आंटी जी? शगुन है पुत्र, रख ले। थैंक यू आंटी जी, आई मीन थैंक यू मम्मी जी। मेरी बहन नीति ले हो गया रोका। मुबारक हो सबको। विक्की तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर कुछ मुंह मीठा करने के लिए लेकर आओ। मिठाई नहीं है तो चीनी ले आओ किचन से। मैं ले आती हूँ। लो जी लो, घर बैठे ही हीरे जैसा दामाद मिल गया भाई। बहुत खुश रखेगा बबली को तेरी। हाँ बहुत बहुत मुबारक हो गुरप्रीत बहन जी। चलो तो हो गया मुंह मीठा, अब चले। हाँ कल इन दोनों की एंगेजमेंट है, उसकी तैयारियां भी तो करनी है ना। चल पुत्र चलो। नीति दी कॉन्ग्रेचुलेशंस बबली, और तू ना बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी एंगेजमेंट का फंक्शन बहुत धूमधाम से करवाऊंगी मैं। सारी अरेंजमेंट्स मैं खुद देखूंगी। तू मेरी बहन है और इतनी बड़ी खुशी का मौका है। चले वाह, तेरी नई बॉस मिस सिंघानिया का फोन है। इन्हें भी खुशखबरी दे आती। हेलो पब्ली? नहीं नीति बोल रही हूँ। नीति तुम, आई मीन तुम? हाँ मेंटल असाइलम में थी लेकिन अब मैं बाहर आ गई। ठीक हो? हाँ हाँ एब्सोल्युटली फाइन। मैंने ना एक नामी डॉक्टर को बुलाया था, जो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी उस हॉस्पिटल में, उसने उससे बात की और बस मुझे डिस्चार्ज मिल गया। उन्होंने प्रूफ कर दिया दैट आई एम मेंटली फिट। शायद किसी ने जानबूझकर पैसे देकर मुझे वहां रखवाने के लिए कहा था। एनीवे हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? तुमने बबली को फोन किया है ना, तुम्हें जानना कि वो कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। नहीं एक्चुअली उसे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो बहुत अर्जेंसी में निकल गई थी तो मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। एक बार उसे फोन देना। अभी वो बात नहीं कर सकती, एक्चुअली उसका रोका हुआ है अभी अभी। व्हाट? रोका? रोका? और कल उसकी एंगेजमेंट भी है, तुम्हें जरूर आना है ठीक है? Engagement? Oh, you don't know. मैंने तुम्हारी बहन, I mean तुम्हारी new secretary बबली के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। But नीति, अच्छा अब मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती, मुझे ना engagement की तैयारियाँ भी करनी है, कल बहुत काम है। So अभी रखती हूँ। But by the way, तुम जानना नहीं चाहती? किसके साथ हो रही है बबली की engagement? तुम जानती हो उसे? It's दलजीत। दलजीत। Perfect match है वो बबली के लिए। हेलो ये ले, बहुत खुश हुई ये खबर सुन के। वो कल आ रही है,
चलो चले फिर। हाँ चल बेटा, चल पुत्र। अच्छा ओके मम्मी जी। पापा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? फोन ही नहीं लग रहा। अब क्या करूं मैं? नीति ऐसे कैसे कर सकती है? आखिर बात क्या है? पापा ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और ऐसे अचानक से ये सब। पार्वती क्या हुआ बेटा जी, इतनी परेशान क्यों है? ताई माँ, पापा की सगाई होने जा रही है दलजीत के साथ, अभी रोका हुआ है। दलजीत? हाँ ताई माँ, दलजीत वो हैवान, वो मेरी पापा की जिंदगी जहन्नुम बना देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पब्लिक ये शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती है। वो दलजीत को अच्छे से जानती है फिर भी, और मम्मी जी भी ये सब होते हुए कैसे देख रही है? इवन विक्रम वीर जी भी वहाँ होंगे, कम से कम उन्हें तो कुछ करना चाहिए था। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। ताइमा बेटा जी कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? ताइमा बबली को मेरी जरूरत है। वो दलजीत मेरी बबली की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे ये सगाई रोकनी होगी। पार्वती रुक, बेटा मेरी बात सुन, रुक जा बेटा, जो होना था वो हो गया। हमारे प्यार के बारे में सबको पता चल गया बबली, सबको पता चल गया कि प्यार में हम अपनी हद पार कर चुके हैं। मेरी प्लीज बात सुनो, बात मत कर मुझसे। मुझे अभी तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी बात समझो। परी ने मुझे अनस्टेबल प्रूफ करके मेंटल असाइलम भिजवा दिया। इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। उसकी इस गलती से मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसने ये हरकत करके ना मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया है। अब आप देखना ये नीति उसका क्या हाल करती है, कैसे कैसे दिन दिखाती हूँ मैं उसे, उसकी जिंदगी में बद से बदतर बना दूंगी। उसकी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, और उसकी मम्मी वो घर से बाहर तक नहीं निकल पाएंगी। क्यों दलजीत? दलजीत के साथ अपनी बहन की सगाई की बात सुन के उसकी रूह कांप गई होगी, तड़प रही होगी वो बबली से मिलने के लिए और अपनी मम्मी से सवाल करने के लिए। अब उसे पता चलेगा कि असली पागलपन होता क्या है। आई एम श्योर यही आ रही होगी अभी। एक एक पल में परी हजार हजार मौतें मर रही होगी, लेकिन पुत्र हमारे निकलने के बाद अगर उसने पार्वती को फोन किया होगा तो? नहीं कर सकती मम्मी जी, क्योंकि मैंने बबली के फोन से परी का नंबर ब्लॉक करके उसे डिलीट कर दिया है। ओह, अब किसी भी हालत में परी बबली को कॉल नहीं कर सकती, और बबली भी परी को फोन नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उसका नंबर है ही नहीं। लेकिन अगर सोचा जाए तो बबली संजू से परी का नंबर ले सकती है, और परी भी बबली को फोन ना करके अपनी मम्मी जी या ताई जी को फोन कर सकती है। लेकिन इस टाइम पे दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, और करेगा भी कैसे? मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाए थे ना परी ने, पर मैंने उसे इलेक्ट्रिक शॉक से भी बड़े वाला शॉक दिया है। एक बहन तड़प रही है अपनी दूसरी बहन के पास पहुंचने के लिए, बस वो पहुंच जाए वरना मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। बदला अधूरा रह जाएगा मतलब बेपे, जब कोई इंसान पागलों की तरह सड़क पे गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता कब कहां कैसे उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो भगवान के पास ऊपर चला जाए।
नीति पत्तर ये क्या हो गया? वो तो कह रहे थे कि बबली के चक्कर में पागल हो जाएगी, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, भगवान उठा लेगा इसे। लेकिन ये तो संजू के बाहों में उठकर घर के अंदर चली गई। ताई जी, हाँ? आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए, जल्दी। लेकिन मेरा फोन मेरे कमरे में, मैं लेकर आती हूँ। आरती, आरती, ताई जी का तो टाइम लगेगा। मावा, मावा, आरती, आरती, मावा, दीदी के साथ रहना, मैं रूम से एक बार फोन लेकर आता हूँ। दीदी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए दीदी। हो गए इनको। मावा, संजू कहाँ है? वो भैया को मैंने ऊपर जाते हुए देखा। दीदी, क्या करूँ मैं? दीदी, मैं यहाँ कैसे आई? दीदी, वो आपका एक्सीडेंट हो गया था, भैया आपको अंदर लेकर आए हैं। मेरा सर चकरा रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है। आप है ना यही वेट करिए, मैं भैया को बुला के लाती हूँ। भैया, संजू, ये क्या बदतमीजी है? कोई बदतमीजी नहीं है, जो बात है सो है। और मेरा रास्ता रोकने का मतलब क्या? एक सवाल है जिसका जवाब चाहिए मुझे। ये कोई टाइम है सवाल पूछने का? जब देखो एक नया सवाल की खड़ी हो जाती हो, जल्दी पूछो जो पूछना है, टाइम नहीं मेरे पास। तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? नीति, हर सवाल का ना अपना एक सही वक्त होता है, और गलत टाइम पे पूछे गए बेमतलब के सवाल का जवाब भी बेमतलब होता है। समझ गई या दोबारा समझाऊं? हटो अब। रुक जा पुत्र, पहले नीति जो पूछ रही है ना, उस सवाल का जवाब दे। नीति का हक है तुझ पे, इसलिए वो जब चाहे जैसा चाहे सवाल पूछ सकती है तुझसे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सवाल पूछने का ये सही टाइम है, तो मैं बोलता हूं कि जवाब देने का सही टाइम मुझे नहीं लग रहा है। जब टाइम मिलेगा फुर्सत से जवाब दूंगा। पार्वती नीचे बेहोश है, she needs my help। वो पार्वती जी को होश आ गया। मावा, जाओ यहाँ से। संजू, आप बता, तेरी नजर में नीति की कोई वैल्यू है या नहीं? मैंने कहा ना कि फुर्सत से जवाब दूंगा। पार्वती को होश आ गया संजू, अब उसकी फिक्र करना बंद कर। नीति ने जो सवाल पूछा है, सीधा सीधा एक लाइन में उसका जवाब दे दे। बता दे भाई, उसकी कदर करता है या नहीं? लेकिन इस समय ये सवाल पूछने की जरूरत क्या है? जरूरत है, तुम अच्छे से जानते हो ना, ये सब उस परी के चक्करों में हो रहा है। पार्वती, पार्वती सिंघानिया, she is not परी। Okay, fine। पार्वती सिंघानिया, खुश। बट इसी पार्वती ने मुझे अनस्टेबल प्रूफ करने की कोशिश की, इसके चक्कर में कितना कुछ सहना पड़ा मुझे, तुम्हें पता है ना? मुझे मेंटल असाइलम जाना पड़ा, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए संजू, एंड सॉरी टू से, तुमने भी उसका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो उसने कहा तुमने वही किया, जिस डॉक्टर को उसने सजेस्ट किया तुमने उसे बुला लिया, एक बार भी अपने लेवल पर ये चेक करने की कोशिश भी की कि जो डॉक्टर वो सो कॉल्ड पार्वती तुम्हें सजेस्ट कर रही है, जो साइकेट्रिस्ट इस घर में बुला रही है, वो मुझे सच में ट्रीट करने आ रही है या फिर मुझे मेंटल प्रूफ करने आ रही है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि पार्वती कोई मेरी दोस्त नहीं है जो मेरी हेल्प करने आएगी? हो सकता है कि वो कोई बदला लेने आ रही हो मुझसे। नीति, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्वती ऐसी नहीं है। ओ प्लीज, अब मुझे तुम्हारे मुंह से पार्वती पुराण नहीं सुनने संजू। मुझे नहीं सुनना है कि वो कितनी महान है, कितनी अच्छी है, शायद मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ रही थी इसलिए ये सब कुछ किया उसने। मुझे सिर्फ अपने सवाल का एक सिंपल सा जवाब चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए मैटर करती हूँ या नहीं? करती हूँ। खुश, अब जाऊं मैं? अच्छा, सच में मैटर करती हूँ तो क्यों तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है उस पार्वती की? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई लेकिन तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। और वो पार्वती है कौन? वो सिर्फ तुम्हारी बिजनेस पार्टनर, उसकी इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें क्यों?
भूलो मत संजू, उसकी वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा है। उसने मुझे अनस्टेबल प्रूफ करने की कोशिश की है, उसने मुझे मेंटल असाइलम भिजवा दिया, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवाए उसने। किस वजह से नहीं लगे तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें जरूरत है इलेक्ट्रिक शॉक्स की, इसलिए लग रहे थे।